ओम शांति। आज की तारीख है 5/3/23 और आज हम सुनेंगे प्राण प्रिय अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की गुलजार दादी के द्वारा उच्चारे हुए बाप दादा के महावाक्य। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है एक पॉइंट शब्द को तीन रूपों में स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। विश्व कल्याणकारी बाप दादा और अपने मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। लक्ष्य सभी का नंबर वन का है, लेकिन लक्षण नंबर वार है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों है? ज्ञानदाता बाप भी एक है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ब्रह्मा बाप भी एक है। सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाले भी एक है। मुख्य बात है पढ़ाई और धारणा, दोनों ही देने वाला एक, फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबर वार बनाए क्यों? ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते हैं कि लक्षण धारण करने में ही मैं किस नंबर पर हूँ। पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा, कोई भी संकल्प, कोई भी बोल व व्यर्थ वाणी या व्यर्थ सोचना, उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन के स्वप्रति व सेवा प्रति समय पर काम लगाना। तो याद प्यार देते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले, चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाली समीप आत्माओं को सदा ज्ञान की हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाप के ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले माया को छाया से सेफ रखने वाले जानना और पहचानना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे सतगुरु बाबा के द्वारा वरदान। तो मीठे मीठे सतगुरु बाबा ने कहा, एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं, वे सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से वो दूर रहते हैं, क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली सर्व बातों में सेफ रहना
लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। जो समाये हुए हैं वही माया प्रूफ हैं। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना। अलबेले पुरुषार्थियों का मन अंदर से खाता है और बाहर से वह अपनी महिमा के गीत गाता है। स्लोगन है, पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।